फ्रेंड्स, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़ है, और ये भले ही आपको अभी इफ़ेक्ट ना करे, लेकिन आपको 4 से 6 महीने में आपको बहुत ही इस न्यूज़ का फ़ायदा होने वाला है। तो मैं अब आपको ये बताना स्टार्ट करता हूँ कि ये मैं आपके लिए क्या खबर लेके आया हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यमाल 202 जो 49 ईस्ट पे है, ये आप पोजीशन इसकी देख रहे हो, 49 ईस्ट पे इसकी पोजीशन है। ये सैटेलाइट इंडिया में काफ़ी इजीली अवेलेबल है, आराम से। ये सी बैंड का एक सैटेलाइट है, सर्कुलर पोलैरिटी का, जो आराम से आ जाता है। तो इसके लिए आपको 3 से 4 फीट की डिश ही लगती है, लेकिन ये सैटेलाइट अब पुराना हो रहा है। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि करंट ये इसका लॉन्च डेट देख रहे हो आप, ये 24 नवंबर 2003 को ये लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, और इसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है 15+ ईयर्स, 15 साल का इसका लाइफ टाइम का इसका ड्यूरेशन है। तो ये सैटेलाइट बस अब ख़त्म ही होने वाला है, या बस अपने आखिरी चक्कर ही लगा रहा है। इसी वजह से सैटेलाइट पे चैनल्स भी कम हो गए हैं, ट्रांसपोंडर भी कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी सैटेलाइट को चलाने के लिए या उस पर ट्रांसपोंडर अगर रन हो रहे हैं, कितने भी चैनल्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा पावर लगती है। तो इसलिए धीरे धीरे इस सैटेलाइट से भी हमने ये चीज़ देखी है कि इस पर ट्रांसपोंडर कम हो रहे हैं या चैनल्स कम हो रहे हैं। तो ये इसका करंट फुटप्रिंट है यमाल 202 का। तो ये फुटप्रिंट, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर आप देखो तो ये है आपकी 42.5, 42.5, यही इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो इंडिया के ऊपर गिर रही है। ये 42.5 इसकी मैक्सिमम ये है, देखो ये 42.5। रिकमेंडेड डिश साइज़ दिखा रहा है 110 सेंटीमीटर, मतलब 4 फीट की डिश के करीब इसके लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब नया सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होने वाला है दिसंबर 2018 में, उसकी डेट है। अब पता नहीं डिले हो जाए तो वो बात अलग है। तो अभी के हिसाब से वो सैटेलाइट अभी लॉन्च होने वाला है 6-8 महीने में। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसके नए फुटप्रिंट्स आ गए हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपको गूगल पे जाके बस ये टाइप करना है, गैस पी रोम स्पेस, बस इतना टाइप कर दो आप, बाकी आ जाएगा। गूगल पे आपने टाइप कर दिया, मैं आपको इसके फुटप्रिंट्स चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। पहली साइट जो आएगी ना, गैस पीरोम स्पेस, ये यमाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, मैं इसके ऑफिशियल फुटप्रिंट्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक ऊपर ये टैब देख रहे हो, आर यू और ई एन। आर यू रशिया के लिए है और ई एन जो है इंग्लिश के लिए है। तो अगर आर यू सेलेक्टेड है तो आप ई एन कर दीजिए, ताकि आपको इंग्लिश में कुछ समझ में आए। तो इंग्लिश में है ये, इस समय करंटली इंग्लिश में ही है ये। यहाँ पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक करें न्यू प्रोजेक्ट्स में। न्यू प्रोजेक्ट्स में मैंने क्लिक कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये आ गया यमाल 601 सैटेलाइट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब आ गए इसके नए फुटप्रिंट्स। ये अब नए फुटप्रिंट्स जो हैं, ये हमारे लिए है एक अच्छी खबर। अब ये अच्छी खबर कैसे है, ये मैंने इसको जूम इन कर दिया। अब आप इसका पावर देखो, 46 dB की इसकी पावर है। ये आप देख रहे हैं 46 dB की, 45। ये राइट साइड पे जो मैंने ये चला रखा है, मैंने इसको सेव भी कर रखा है, जैसे कि मैं इधर खोल लेता हूँ इसको। तो ये 46 dB का इस पर पावर है, जो इसकी मैक्सिमम जो पावर है, ये देखो 46 dB 45, ये इसकी टोटल पावर है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो करंट एग्जिस्टिंग सैटेलाइट है उसके मुकाबले। 42.5 आ रहा था इंडिया के ऊपर। अब देखो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे ही आज हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अब ये वाली जो बीम है जो इंडिया के ऊपर गिर रही है, ये वाला एरिया जो है ना, ये 44 डेसिबल का एरिया इस पर गिर रहा है। ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, अब इस पर कौन कौन से एरिया कवर हो जाएंगे, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, दिल्ली भी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ऊपर कश्मीर, हिमाचल, ये सारे 44 डेसिबल पे हो जाएंगे। 44 डेसिबल बहुत हो जाता है सी बैंड के लिए। इसका मतलब आप इसको आराम से 3 फीट या 2.5 फीट पर भी ट्रैक कर सकते हो, 2 फीट पर भी ये सैटेलाइट आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो ये एरिया भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो गया।
ये वाला एरिया, ये एरिया भी हो गया 43 डेसिबल की, इस पे बीम आएगी 43 डेसिबल की बीम। अब इस पे एरिया, एरिया पे क्या आ गया, इस पे एरिया आ गए जैसे मध्य प्रदेश आ गया कुछ हद तक, यूपी का एरिया आ गया कुछ हद तक, शायद इसमें राजस्थान के भी कुछ एरिया होंगे। तो यहाँ पे भी 43 डेसिबल या 90 सेंटीमीटर से ऊपर की डिश नहीं चाहिए होगी। तो हमारे लिए ये गुड न्यूज़ यही है कि हमारे लिए ये बीम जो है स्ट्रॉन्ग हो गई है इस नए सैटेलाइट पे। तो ये हम लोगों को बस अब इसी चीज़ का इंतज़ार है कि अब ये नया सैटेलाइट कब लॉन्च होगा, ताकि हम लोगों को ज़्यादा बेटर इस पे सिग्नल मिल पाएगा। अब आप यही सोच के आप खुश होइए कि पंजाब हरियाणा ये ऐसे एरिया में तो ये 2 फीट पे आने वाला है ये सैटेलाइट। और अब ये नया सैटेलाइट तो है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी सारे नए रशियन सैटेलाइट, रशियन चैनल इस पे स्टार्ट हों। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक आपके लिए एक छोटा सा अपडेट था। थैंक यू। हेलो देयर एवरीबॉडी, सो एज वी नो दैट यमाल 202 वुड सून रिटायर एंड द करंट पोजिशन ऑफ दिस सैटेलाइट इज 49 डिग्री ईस्ट। द लॉन्च डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इज 2003 एंड एक्सपेक्टेड विद एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ 15+ ईयर्स। सो दिस सैटेलाइट इज सून गोइंग टू बी रिटायर्ड एंड इट वुड बी रिप्लेस बाई अ न्यूअर सैटेलाइट कॉल्ड यमाल 601। सो दीज आर द करंट फुटप्रिंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट यमाल 202। So the maximum beam power of this particular satellite is 42.5. See, I'm just showing you the current ERRP levels in various countries. It's 37.5, 40, 42. So the maximum is 42.5. So the current beam power is not as good as that of the newer satellite. So these are the footprints of the newer satellites, Yamal 601. The URL which you can go to is gazprom.spacesystems.ru. So you can copy it and paste it, and there you'll find the official footprints of this this newer satellite. So the areas which it would cover is almost covering from all Southeast Asian countries to Europe, and the maximum ERP levels is starting from 46 decibel. The places like Kazakhstan, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, all these areas would have a 46 decibel beam. So probably they would be able to receive this satellite by 2 feet, or maximum by 3 feet would be all sufficient. Most of the European countries, all these areas would be covered with a 45 decibel beam. That is quite substantial and is would be sufficient on receiving by a 2 feet dish. 2 feet dish. So this is, quite a good news for everybody. And other areas like Algeria, Morocco, and other such areas, they would also get a substantially better beam of 41 decibel, 41 to 43 decibel. So all in all the places would get a substantially high power beam, and they would, each and everybody would be able, each country would be able to receive this current satellite Yamal 601 with a smaller dish. So that was the update. Thank you, friends.